लोकतंत्र में अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूर्वोत्तर के असम से है, जहां धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े विदेशी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में असम के 3 इलाकों से अलग अलग देशों के कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो आए थे हिंदुस्तान घूमने, लेकिन पर्यटन के पर्दे में वो हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाने के गोरखधंधे में शामिल पाए गए। इस विदेशी गैंग का कैसे पर्दाफाश हुआ है और असम के डिब्रूगढ़ से टाइम्स नाउ न भारत रिपोर्टर निविन डेक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सत्रह बांग्लादेशी गिरफ्तार, 3 स्वीडिश गिरफ्तार, 7 जर्मन गिरफ्तार। बीते एक महीने में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े सूबे असम के 3 जिलों से 3 अलग अलग देशों के 27 लोगों की गिरफ्तारियों से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश धर्म परिवर्तन की, भोले भाले असमिया हिंदुओं को धोखे से लालच देकर मुसलमान और ईसाई बनाने की साजिश। फिलहाल बांग्लादेश, स्वीडन और जर्मनी के इन बदनीयत लोगों को गिरफ्तार कर उनके देश वापस भेज दिया गया है। असम की सरकार और पुलिस के एक्शन से इन 27 विदेशियों की मंशा सरेआम हुई है। टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म परिवर्तन के इरादे से असम पहुंचे इन विदेशियों का भांडाफोड़ हुआ तो गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हिंदूवादी संगठनों की माने तो बीते कई साल से असम के मूल निवासियों को ईसाई और मुसलमान बनाने का धंधा चल रहा है। इसे लेकर असम की पुलिस का क्या कहना है आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपको डिब्रूगढ़ जिले के घिनाई इलाके में लेकर चलते हैं, जहां टूरिस्ट वीजा लेकर स्वीडन से आए ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोगों पर आदिवासी हिंदुओं को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हम अभी मौजूद है एक टी गार्डन जो कि नाहरकोटिया अपर असम में है। ये एक बहुत रिमोट एरिया है और ये एरिया अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो है 3 स्वीडिश नेशनल आए थे और जिनको जो है डिपोर्ट किया गया है असम से, दिल्ली से लेके स्वीडन तक डिपोर्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने जो है रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस प्रीचिंग में पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद जो है असम में एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि क्या फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि असम पुलिस का ये मानना है कि वो लोग टूरिस्ट वीजा को वायलेट करके रिलीजियस गैदरिंग में आ गए हैं, क्या वो यहाँ पे धर्म प्रचार करने आए हैं या कन्वर्जन करने आए हैं। और ये जस्ट एक केस ही नहीं है, और एक केस आपको 7 जर्मन नेशनल्स जो है उनको डिपोर्ट किया गया है हाल ही में, और वो भी जो थे ऐसे ही रिमोट एरियाज में, टी गार्डन्स में, हिल डिस्ट्रिक्ट एरियाज में गए थे, जैसे कि तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट गए थे, और इस इनको अभी डिपोर्ट किया गया है। तो ओवरऑल जो है 27 लोगों को पकड़ा गया है टूरिस्ट वीजा वायोलेशन में एक महीने में। सो इस पे बड़ा सवाल ये आया है कि क्या रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। बताया जा रहा है कि हीलिंग सेशन और फायर कॉन्फ्रेंस के नाम पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का गंदा धंधा लंबे अरसे से चल रहा है। हीलिंग सेशन हो रहा है फायर कॉन्फ्रेंस नाम पे, जिसका एक्सक्लूसिव विजुअल हमने अभी भी दिखाया है। क्या ये हीलिंग कॉन्फ्रेंस के नाम पे एक इनडायरेक्ट वे में रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है आ गया है। तो रिलीजियस कन्वर्जन अभी एक सेंटर स्टेज बन गया असम में क्योंकि 27 फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे टूरिस्ट वीजा में आए थे, इन्होंने टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करके जो है मिशनरी एक्टिविटीज या रिलीजियस गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट किया था, और इसी वजह से जो है ये प्रश्न आ गया है। अक्टूबर के महीने में 25 से 27 तारीख तक डिब्रूगढ़ जिले के घिनाई इलाके में ईसाई मिशनरी ने हीलिंग सेशन की आड़ में धर्म परिवर्तन को अंजाम दिया। उस इलाके में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी पड़ताल की, सच्चाई जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे एक प्रार्थना हुआ था, प्रार्थना सभा हुआ था, और आप लोग सब यहाँ पे आए थे वहाँ पे, तो उस दिन क्या हुआ, उस 3 दिन में जो यहाँ पे अपना सभा हुआ था क्या हुआ था उधर? नमस्ते, मैं
इस प्रार्थना सभा के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ 3 दिन का प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और यहाँ बहुत सारे भीड़ हुआ था और जिसके खास वजह था यहाँ शांति और प्रार्थना के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आए थे वो शांति और प्रार्थना चंगाई चाहता था, चंगाई और छुटकारा इस दुनिया के तमाम जो उनके जीवन में प्रॉब्लम था, समस्या है, उन सारे बातों के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए वो लोग विश्वास किए थे और इसीलिए उसके आधार पर यहाँ जो प्रार्थना कर ठीक हुए। उनके जीवन में जो बीमार था या कोई भी मानसिक मेंटेलिटी कोई भी था, उन सारे समय से उनको आजाद मिला। इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोग 3 दिन लगभग बहुत सारे आदमी आकर यहाँ चंगाई और छुटकारा मिली प्रार्थना के जरिए। सुना आपने, दावा है कि ईसाइयों की प्रार्थना सभा में जितने बीमार और लाचार लोग पहुंचे सबके सब ठीक हो गए। जाहिर है ऐसे दावे का सच्चाई से दूर तक कोई नाता नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि दबी जुबान में ही सही प्रार्थना सभा के आयोजकों में शामिल लोगों ने ही धर्म परिवर्तन की बात कबूल भी कर ली है। यहाँ पे धर्म प्रचार हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ था, तो इस अभियोग के ऊपर आपका क्या मान्य है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ एक ईसा मसीह का विश्वासी होकर कि ईसा मसीह अगर इतना इजी होता तो अपना लहू देकर या क्रूस में मर कर वो अपने जवान नहीं गवाता। तो इससे पता चलता है कि ईसा मसीह को उनको ग्रहण करना इतना आसान नहीं। और जो लोग आरोप लगाए गए ईसा मसीह के ऊपर या उनके विश्वासी के ऊपर, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ईसा मसीह जो कुर्बान दिया है सारे मनुष्यों के लिए और जो उन पर ऊपर विश्वास करते हैं उनको चंगाई और छुटकारा मिले, इसी के आधार पर ओलोक ईसा मसीह को ग्रहण किया है। जिस चर्च में फायर कॉन्फ्रेंस यानी हीलिंग सेशन का आयोजन हुआ, हमारी टीम भी वहां पहुंची। एक तरफ चर्च से जुड़े लोगों ने धर्मांतरण की बात कबूली तो दूसरी तरफ चर्च से जुड़े सांगा नाम के शख्स ने इसे सिरे से खारिज किया। फायर कॉन्फ्रेंस के नाम पे धर्म परिवर्तन का बात आ गया कि ये लोग वो ट्राई किया था, और दूसरी बात ये है कि ये हीलिंग सेशन जो हुआ था वो एक अटेम्प्ट था लोगों को आकर्षित करने के लिए। इस अभियोग के ऊपर आपका क्या मानना है? ये अभियोग जो है ना वो बेबुनियाद है, इसका कुछ बेस नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। कहे कि जो फायर कैंप हुआ वो फायर कैंप में केवल क्रिश्चियन व्यक्ति ही थे उसमें, तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए? मतलब कोई हिंदू व्यक्ति उधर नहीं आया था फायर कैंप में? कोई हिंदू व्यक्ति उसको अलाउ भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना जो विश्वासी है, जो चर्च लीडर है, जो यंगस्टर है, जो ओवेंस विंग का है, उनको क्या बोलेंगे उसको फिर आत्मिक रूप से बलवान बनाना ही इस फायर कैंप का उद्देश्य था। तो चर्च का दावा है कि ईसाइयों के हीलिंग सेशन में किसी गैर ईसाई ने शिरकत नहीं की, लेकिन पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसी हिंदू माँ बेटे से हुई जिन्होंने ईसाइयों की इस फायर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। दादा, आपनलोके आइताक लई गईसिले फील्ड लेके और आपनलोके की हुनिसिले ताते आइताक निले आइतार माने भोरिर प्रॉब्लम तो ठीक होई जाबो बोली? तात हुनिसिले माने बहुते रायजे कइसे ता माने जे प्रार्थना कइले माने ভাল হয় তেনে পুষ্টাবো লগাইছিলে গছত সবতেৰ। আৰু এনেকুৱা উৰা বাতৰি ওলাইছিলে যে মানুহে চকুলিও দেখা পোৱা গৈছে, তেনেকুৱা আপোনালোকে সেইবিলাক শুনিছিলে আপোনালোকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে লৈ গৈছিল? শুনিছোঁ, সেইবোৰ শুনিছোঁ, চকুৱে নেদেখা মানুহ দেখিছে বোলে, অন্ধ মানুহ তেনেকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰো খোজকাঢ়িছে তেনেকে বুলি কৈছে বহুতে। लोकतंत्र पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 मंच।